जय हिंद। LCTI मौर्या सर चैनल में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में मल्टीप्लाई और सम से रिलेटेड कुछ फार्मूले को देखेंगे। तो फार्मूला करने से पहले, आप अगर जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें इसमें। अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं एमएस एक्सेल के फार्मूला के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ डाटा एंट्री ऑलरेडी पहले से कर दी है, यानी हमने यहाँ पहले से बना लिया है। और हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, जो आपको बताने का जो है प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, उसमें रहेगा हमारा प्रोडक्ट रहेगा, सम रहेगा, सम प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, और सम एस क्यू रहेगा, सम एक्स टू एम वाई टू रहेगा। यानी यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इन्हीं पांच फार्मूले को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम फार्मूला जो देखेंगे वो हम प्रोडक्ट फार्मूला देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आइटम का नाम दे रखा है, क्वांटिटी लिख रखे हैं, उसकी मात्राएं लिख दी हैं, रेट यानी उसके दर हमने लिख दिया है, और अमाउंट, हमें अमाउंट को जानना है। तो हमने यहाँ पर कुछ आइटम के नाम दे दिए हैं, उसकी क्वांटिटी लिख दी है और ये रेट हमने लिख दिया। अब हमें अगर जो इसके अमाउंट को जानना हो, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास क्वांटिटी हो और रेट हो, तो उसका अमाउंट निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। यानी हम अगर टी शर्ट खरीदते हैं जिसका दर हो, यानी कि रेट हो 328 और उसका क्वांटिटी हो 12, यानी 12 पीस अगर जो हम खरीद रहे हैं 328 के दर से, तो उसका अमाउंट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हम लोग यहाँ सिंपली यूज करते हैं फार्मूला प्रोडक्ट का। यानी प्रोडक्ट क्या करता है, किसी भी संख्या यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल योग प्राप्त करता है। तो हम इसमें लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे हम किसी भी फार्मूला को लिखने से पहले बराबर का चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू, यानी बराबर, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगाएंगे और सबसे पहले, यानी हम पहले नंबर, फिर कॉलम लगा के दूसरा नंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके चाहे कॉमा लगाते हैं, अगर हमें कॉलम यानी कि कॉमा लगाते हैं तो बीच में किसी भी कॉलम को ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक बड़ा रेंज लिखना होता है जहां पे हमें किसी कॉलम को छोड़ना नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग कॉलन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे करना है, हमें क्वांटिटी और रेट में मल्टीप्लाई कराना है, यानी गुणा कराना है, इसका गुणनफल योग लेना है। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, यानी B2 में, यानी हमारा क्वांटिटी का जो यहाँ पर T-shirt का जो क्वांटिटी लिखा है वो हमारा B2 में लिखा है, सेल B2, और रेट का जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 328 वो C2 में लिखा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, B2:C2। अब हम इसको सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, हमारे इस टी शर्ट का जो टोटल अमाउंट है वो आ चुका है। यानी हम 12 टी शर्ट 328 के दर से खरीदते हैं, तो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,936 रुपये। अब एक का आ जाएगा तो हमें यहाँ दोबारा फिर से प्रोडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूला को सब पे कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी करने के लिए यहाँ हम आएंगे, तो हमारे में, यानी हमारे सेल पॉइंटर जो होता है, ये कॉपी का जो है एक सिंबल लेकर के आता है, यानी कि प्लस का साइन बन किया जाता है। तो इसी को दबा के ऐसे हमको खींच देना होगा। जैसे ही हम लोग इसको खींचेंगे यानी कॉपी करेंगे, सभी का जो अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक आ जाना है। अब सपोज दैट हमने ये सेलिंग किया है या परचेजिंग किया है, हमें इसका टोटल योग करना है, जिसको हम लोग ग्रैंड टोटल भी बोलते हैं। यानी हमें संपूर्ण इसका योग करना है, टी शर्ट का, शर्ट का, पैंट, जींस, यानी हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे अमाउंट आया है और मुझे सिंपली इसका पूरे का योग करना है। तो हम जानते हैं सम फार्मूला। सम क्या करता है कि जब हमें दो या दो से अधिक संख्याओं का योग करना होता है, तो हम प्रयोग करते हैं वहां पे सम फार्मूले का। तो सिंपली इसको यूज करने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसे होता है, हम इसको लिखते हैं सबसे पहले बराबर सम, ब्रैकेट बनाते हैं
और ब्रैकेट बनाने के बाद हमने इसमें देना होता है नंबर रेंज। तो नंबर हमारा जो पहले अमाउंट आया हुआ है 63 का, वो है हमारा D2 में, तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, D2 लिख देंगे। फिर हमें पूरा, चूंकि यहाँ पे किसी कॉलम को ब्रेक यानी बीच में छोड़ना नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉलन लगा लेंगे और कॉलन लगाने के बाद लास्ट वाले सेल का एड्रेस दे देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया V2:D9। अब हम यहाँ पे जैसे ही D2:D9 लिखा, अब D2 इसको लिखने के बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करना होगा। ब्रैकेट बंद करेंगे और बंद करने के बाद तुरंत एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, हमारे यानी कि पूरे आइटम का जो अमाउंट है, उस अमाउंट को ऐड करके यानी पूरे का इसने जोड़ करके योग करके अमाउंट हमको बता रहा है कि 1,07,806 रुपए आपके टोटल बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जान लिया प्रोडक्ट और सम। हम बात करते हैं सम प्रोडक्ट की। देखिए सम प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमें डायरेक्टली एक एस्टिमेट बैलेंस को जानना हो, यानी हमें यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का टोटल योग ना करके हमें केवल और केवल इन सभी प्रोडक्ट का संपूर्ण योग करना हो जाए, यानी हमें इसको नहीं जानना है, हमें टोटल जानना है कि अगर हम टी शर्ट खरीदे 12 पीस 328 के दर से, शर्ट खरीदे 10 पीस 600 के दर से, पैंट खरीदते हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे हैं, इन प्रोडक्ट को इस क्वांटिटी में और इतने के दर से खरीदते हैं, तो टोटल हमारा अमाउंट कितना होगा, तो ये बता देगा हमको कौन, सम प्रोडक्ट। कैसे, हम लोग जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट ये डेटाबेस हमारे पास नहीं है, हमको इसका ग्रैंड टोटल लेना है, हमें यहाँ पे ना तो प्रोडक्ट लगाने हैं ना सम लगाने हैं, यानी दो अलग अलग फार्मूले हमें यूज नहीं करने, हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपली यहाँ पर बराबर सम प्रोडक्ट और यहाँ पे बनाएंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट बनाने के बाद हमसे पूछ रहा है एरे फर्स्ट कॉलन एरे सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एरे बनेगा, यानी हम पहले लेते हैं क्वांटिटी यानी फर्स्ट नंबर वाला कॉलम और कॉमा लगा करके हम लोग सेकेंड नंबर कॉलम लिख देंगे। तो पहला हमारा जो क्वांटिटी का कॉलम है वो शुरू होता है B2 से, तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया B2 और हमारा एंड होता है कैप पे आके जो B9 में लिखा गया है, तो कॉलम लगा के यहाँ पे लिख दिया जाएगा B9। अभी हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाने के बाद सेकेंड एरे का रेंज देंगे। तो सेकेंड रेंज एरे जो हमारा बन रहा है वो रेट का है, जो हमारा C2 से चालू होकर के और कहाँ बंद हो रहा है, C9 पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2 फिर कॉलन लगा के C9। अभी हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसका हमारा अमाउंट यानी हमें मिल चुका है, जो दिखा रहा है कि 1,07,806 रुपए टोटल होंगे, यानी हमें यहाँ पर बाई प्रोडक्ट यहाँ पर टोटल करने की आवश्यकता नहीं है और ना हमें सम अलग से लगाने की आवश्यकता है। तो हम सम प्रोडक्ट में ये एक साथ में पूरा ग्रैंड टोटल देख सकते हैं। अगले हम फार्मूले की बात करें तो अगला फार्मूला हमारा है सम एस क्यू। सम एस क्यू यानी ये क्या करता है, संख्या का सबसे पहले एस क्यू मतलब स्क्वायर यानी वर्ग करेगा और वर्ग करके उसको क्या करेगा, जोड़ देगा। जैसे यहां पे हमारे पास हम लिखते हैं सम एस क्यू, ब्रैकेट बनाए, सिंपली हम चाहे संख्या को किसी सेल में रखें या इसी के अंदर लिखें, बात देखिए। तो हमने यहां पे लिख दिया 4, 3, 5, जितना भी आप सेल लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नंबर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को बंद करके एंटर दबाएंगे, तो ये कह रहा है 50 होगा। कैसे होगा इसका, देखिए फंक्शन कुछ इस प्रकार से काम किया है, इसने किया सबसे पहले 4 × 4 + 3 × 3, फिर इसने क्या किया + 5 × 5। अब इंटर जब हम दबाते हैं तो कितना रहा है, ये टोटल 50 आ जा रहा है। यानी ये जो हमारा फार्मूला है सम एस क्यू किस इस प्रकार से करता है कि सबसे पहले
संख्या का वर्ग करेगा और वर्ग करके उसको जोड़ देता है, यानी उसका योग कर देता है। तो ये हमारा होता है सम एसक्यू, यानी सम एसक्यू फार्मूले का जो प्रयोग होता है वो संख्या का वर्ग करके उसका योग करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा फार्मूला इसमें है सम एक्स टू एम वाई टू, यानी सम एक्स टू एम वाई टू की अगर जो हम थ्योरी की बात करें तो यानी सम एक्स टू एम वाई टू क्या करता है कि हमारे संख्या का वर्ग अंतराल करता है, यानी हमारे पास दो संख्याएं अगर जो हैं तो उन दो संख्याओं के वर्ग अंतराल को ये बताता है। अगर हम सिंपली इसको बोलें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये संख्या का वर्ग करेगा और वर्ग करके सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने का काम करता है। जैसे हमारे पास अगर हम यहां पे लिखते हैं सम एक्स टू एम वाई टू, हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसमें हम लोग एक्स एरे वाई, यानी हमें यहां पे दो संख्याएं लिखनी होंगी। तो दो संख्याओं से अगर हम अधिक करते हैं तो फार्मूला नहीं काम करता, क्योंकि वर्ग अंतराल जो होता है वो दो संख्याओं के मध्य देखा जाता है। तो सिंपली हम यहां पर कोई भी संख्या, जैसे एक संख्या हमने लिख दिया 6 कॉमा दूसरी संख्या सपोज दैट हमने लिख दिया 4, अब ब्रैकेट को हम बंद करेंगे तो ये संख्या का पहले वर्ग करेगा, वर्ग करके सब्ट्रैक्शन करेगा और उसके अंतराल को बता देगा, एंटर। अभी हमसे ये बोल रहा है कि 6 और 4 संख्या का जो है वर्ग अंतराल वो 20 होगा। कैसे, हम यहां पे कर देते हैं बराबर 6 × 6 − 4 × 4, एंटर। देख सकते हैं, यानी इसने क्या किया, सबसे पहले संख्या का आप यहां देख सकते हैं कि वर्ग हो रहा है, वर्ग होने के बाद ये सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है, यानी कि वर्ग अंतराल 6 और 4 संख्या का जो वर्ग अंतराल होगा वो 20 होगा। तो अगर ये भी होता है कि अगर हमारी कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं सम x2 my 2, अगर हमारी पहली संख्या सपोज दैट 4 है कॉमा यहां पे 7 है या 6 है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो चूंकि यहां पे हमारी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से छोटी है तो इसका जो वर्ग अंतराल आएगा वो माइनस में दिखाई देगा, यानी कि -20। तो मुझे लगता है कि आपको ये जितने भी फार्मूले हैं, प्रोडक्ट, सम, सम प्रोडक्ट, ठीक है, सम एसक्यू, सम एक्स टू एम वाई टू, ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये फार्मूला जानकर के कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।